नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि क्राउड फंडिंग बेस्ड है और ये BP20 डैप है, यानी कि इस डैप को आप इजीली ट्रस्ट वॉलेट या फिर किसी भी ऐसे वॉलेट के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं जिसमें डैप ब्राउजर रहता है। सबसे यूनिक चीज इस प्लेटफॉर्म की ये है कि ये एक ऑटोपूल बेस्ड प्लेटफॉर्म है और इसी के साथ यहाँ पे री एंट्रीज आपकी बार बार होने वाली है और आपको स्पिल भी बहुत फास्टली मिलने वाला है। यही एक इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना किसी टीम बनाए भी बहुत बड़ी इनकम अर्न कर सकते हैं और वो भी आप कंटिन्यूसली अर्न कर सकते हैं जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं दी गई है। जी फ्रेंड्स, इस डैप का नाम है ऑक्सविना जो कि बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किया गया है खासकर आपकी इनकम को कंटिन्यूस रखने के लिए और इसी के साथ आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करके इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को बनाया गया है जिसमें फंड रेजिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, यानी कि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। तो पूरा जो भी अमाउंट कम्युनिटी में आता है वही कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। तो ऑक्सविना में यहाँ पे कई सारे पैकेजेस दिए गए हैं जैसे कि $30, $60, $120, $240 का, $480 और आखिरी है $960 का। आप अपने पैकेज से शुरुआत करके यहाँ पे कई सारी इनकम अर्न कर सकते हैं जिसमें डायरेक्ट इनकम, पूल इनकम, लेवल इनकम, डाउनलाइन अपलाइन इनकम और इसी के साथ साथ आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलने वाली है। तो ये सारी इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखते रहना, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस भी हमेशा पहुंचते रहें। तो जब भी आप कोई भी पैकेज बाय करने वाले हो वो दो अमाउंट में स्प्लिट हो जाएगा, एक तो होगा पूल स्प्लिट और दूसरा होगा डायरेक्ट स्प्लिट। ये जो स्प्लिट है ये 2:1 के रेशो में रहने वाला है, यानी कि दो हिस्से एक साइड हो जाएंगे जो कि पूल स्प्लिट में जाएंगे और एक हिस्सा जाएगा डायरेक्ट स्प्लिट में। आसान भाषा में बोला जाए तो दो हिस्से जाएंगे पूल क्लब में और एक हिस्सा जाएगा डायरेक्ट इनकम में। उदाहरण के तौर पर अगर हम $30 के पैकेज की बात करें तो $20 जाएंगे पूल क्लब में और $10 जाने वाले हैं डायरेक्ट इनकम में। इसी तरीके से $60 के पैकेज की बात करें तो $40 जाएंगे पूल क्लब में और $20 जाने वाले हैं डायरेक्ट इनकम में। ऐसे ही और कई सारे पैकेजेस हैं जो कि $960 तक हैं। आखिरी और सबसे बड़े पैकेज जो है $960 का है, इसकी बात करें तो $640 जाने वाले हैं पूल में और $320 जाएंगे एज ए डायरेक्ट इनकम। तो आप यहाँ सेपरेटली भी देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम दी गई है, जैसे कि $30 वाला पैकेज है तो इस पे डायरेक्ट इनकम रहेगी $10 की, $60 के ऊपर डायरेक्ट इनकम है $20 की, $120 के पैकेज के ऊपर $40 की डायरेक्ट इनकम दी गई है। इसी तरीके से अगर हम आखिरी सबसे बड़े पैकेज की बात करें तो $960 के पैकेज के ऊपर $320 की डायरेक्ट इनकम है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे बेहतरीन इनकम के बारे में जो है पूल इनकम, जिसमें आपको कंटिन्यूसली इनकम मिलने वाली है और वो भी टोटली पैसिव इनकम रहने वाली है। इसमें तीन तरह के पूल रहने वाले हैं, X2 मैट्रिक्स पूल, X3 और इसी के साथ होगा X4, और ये तीनों के तीनों पूल्स आपको हर एक पैकेज के ऊपर मिलने वाले हैं। और ये पूल्स कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि आपके री एंट्री बार बार चलती रहे और आपके पूल्स हमेशा एक्टिव रहें और आपको इनकम दिलाते रहें। तो आप जैसे ही $30 से अपना पैकेज लेते हो उसमें से $20 X2 पूल में जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपका पूल एक्टिव होगा आपके नीचे दो मेंबर्स आएंगे, एक मेंबर $20 देगा, दूसरा मेंबर भी $20 देगा, लेकिन पहले मेंबर का जो $20 है उससे आपका X3 पूल एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपका अगला जो पूल है वो आपको मैनुअली अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, आपकी इनकम में से ही अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी के $20 आएंगे दूसरे पर्सन से उसमें से $10 आप विड्रॉ कर सकते हैं और $5 जाएंगे लेवल इनकम में और $5 अपलाइन डाउनलाइन में जाने वाले हैं। तो जब आपका X3 पूल एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके नीचे तीन मेंबर्स आएंगे। पहले मेंबर से आपको $20 मिलेंगे जिससे आपका X4 पूल एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरे मेंबर आपको $20 देंगे जो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरे मेंबर से आपको $20 जो मिलते हैं उससे आपकी री एंट्री हो जाती है एक नई आईडी से सेम पूल में, यानी कि आपका जो X2 पूल है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू रहने वाला है। जैसे ही आपका X3 एक्टिवेट होता है इसमें तीसरी आईडी आती है और तीसरी आईडी से आपका X2 पूल दोबारा से री एंटर हो जाता है। X4 की बात करें तो यहाँ पे चार मेंबर्स आपके नीचे आएंगे। पहले मेंबर से जो $20 आपको मिलते हैं ये होल्ड हो जाते हैं जो कि हायर पैकेज अपग्रेड के लिए रखे जाते हैं। दूसरे और तीसरे मेंबर से जो आपको $20 मिलेंगे जो कि टोटल बन जाते हैं $40, ये आप विड्रॉ कर सकते हैं। चौथे मेंबर से आपको जो $20 मिलते हैं इससे फिर से री एंट्री होने वाली है एक नई आईडी में सेम पूल में, यानी कि फिर से आपका पूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम अगर बात करें $60 की, अगर $60 के पैकेज की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे X2 पूल में आप देख सकते हैं $60 में से $40 जाते हैं पूल इनकम में और $20 डायरेक्ट इनकम में जाते हैं। $40 का आपका पूल जैसे एक्टिवेट हो जाएगा आपके नीचे दो मेंबर्स आने वाले हैं। पहले मेंबर से जो आपको $40 मिलेंगे उससे आपका X3 पूल एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट आपका पहले ही एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा जो मेंबर आएगा उससे आपको $40 मिलेंगे जिसमें से $20 आप विड्रॉ कर सकते हैं और $10 जाते हैं लेवल इनकम में और $10 जाते हैं अपलाइन डाउनलाइन में।
जो आपका एक्सट्री पूल जब एक्टिवेट हो जाएगा जो है अगेन $40 का, और आपके नीचे तीन मेंबर्स आएंगे $40-$40 आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। पहले मेंबर से जो आपको $40 मिलेंगे उससे आपका X4 पूल अपग्रेड होने वाला है, और नेक्स्ट मेंबर से $40 मिलेंगे वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, और तीसरे मेंबर से जो $40 मिलेंगे उससे आपकी री एंट्री हो जाएगी एक नई आईडी में, यानी कि आपका फिर से पूल एक्टिवेट होने वाला है। एक बार आपका पूल एक्टिवेट हो गया तो बार बार साइकिल चलता रहेगा, री एंट्री आपको मिलती रहेगी। X4 की बात करें तो आपके नीचे चार मेंबर्स आने वाले हैं, चारों मेंबर्स आपको $40-$40 देंगे, लेकिन ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किए जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मेंबर से जो $40 आपको मिलते हैं वो होल्ड हो जाते हैं हायर पैकेज अपग्रेड के लिए, दूसरे और तीसरे मेंबर से जो आपको $40-$40 मिलेंगे तो टोटल बन जाते हैं $80, ये आप विड्रॉ कर सकते हैं। चौथे मेंबर से जो आपको $40 मिलेंगे ये अमाउंट यूज होगा री एंट्री के लिए, यानी कि फिर से सेम पूल में आपकी नई आईडी लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूल्स काम करने वाले हैं X2, X3 और X4 जो कि कंटिन्यूस रहने वाले हैं, और अभी हमने सिर्फ दो एग्जांपल्स डिस्कस करी हैं जो कि है $30 और $60। इसके अलावा बाकी जो पैकेजेस है जैसे कि $120, $240, $480 और इसी के साथ है $960, तो सारे के सारे पैकेजेस के ऊपर इसी तरीके से तीन तीन पूल्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज इसमें ये है कि आपने शुरुआत सिर्फ $30 से करनी है, वही $30 ही आपको अमाउंट देने वाले हैं जिससे आपका नेक्स्ट पैकेज अपग्रेड होगा, और ऐसे ही अगले से अगला जो पूल है वो एक्टिवेट अपग्रेड होता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे लेवल इनकम के बारे में। तो लेवल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 लेवल्स दिए गए, तो यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें आपको अपलाइन या डाउनलाइन से स्किल भी मिल सकता है या फिर आपकी खुद की टीम भी हो सकती है। तो पहले लेवल पे तीन मेंबर्स हैं, आपको प्रत्येक मेंबर से $0.5 यानी कि 50 सेंट मिलेंगे, तो टोटल इनकम आपकी यहाँ पे $1.5 की होने वाली है। दूसरे लेवल पे 9 मेंबर्स की टीम होगी और आपको यहाँ पे अगेन $0.5 पर मेंबर मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे टोटल इनकम $4.50 की मिलेगी। तो लेवल इनकम में ये मैट्रिक्स इसी तरीके से 3x3 के फॉर्म में चलता जाएगा जिससे आपकी इनकम बहुत ही फास्टली ग्रो होने वाली है। हालांकि यहाँ पे पर मेंबर आपको $0.5 ही मिलने वाला है प्रत्येक लेवल के ऊपर, लेकिन आपकी इनकम $88,572 तक पहुंचने वाली है। तो हमने यहाँ पे बात करी है सिर्फ और सिर्फ पहले पैकेज की जिसमें से $5 निकाले गए और लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट किए गए 10 लेवल्स में। आप देख सकते हैं अगर आपका पैकेज बड़ा होता है जैसे कि $60 का पैकेज है 120 या फिर उससे बड़ा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और भी बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं पैकेज के बेसिस पर अगर आपका $60 का पैकेज है तो प्रत्येक लेवल पर आपको $1 पर पर्सन मिलने वाला है जिससे डेफिनेटली आपकी इनकम डबल होने वाली है। और अगर हम अगले पैकेज की बात करें तो जो है $120 का, यहाँ पे आपको पर पर्सन $2 मिलने वाले हैं 10 के 10 लेवल्स में, और बाकी जो पैकेजेस हैं उनके ऊपर भी इनकम बढ़ती चली जाएगी। $960 वाले पैकेज की बात करें तो यहाँ पे आपको पर पर्सन $16 मिलेंगे। अब हम बात करेंगे अपलाइन इनकम और डाउनलाइन इनकम के बारे में। अपलाइन और डाउनलाइन के लिए भी यहाँ पे टोटल $5 दिए गए। अपलाइन की बात करें तो यहाँ पे पर पर्सन आपको $0.5 मिलेगा जो बन जाते हैं टोटल $2.50। डाउनलाइन की बात करें तो यहाँ पे बन जाते हैं $0.5 पर पर्सन के हिसाब से टोटल $2.50। तो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों का काउंट करें तो ये बन जाते हैं टोटल $5। या आप यहाँ पे सामने चार्ट देख सकते हैं अपलाइन डाउनलाइन का, तो $30 वाले पैकेज के ऊपर ये $5 किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए अपलाइन और डाउनलाइन में। इसी तरीके से अगर हम $60 के पैकेज की बात करें तो यहाँ पे $1 पर पर्सन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी कोई पैकेज लेने वाला है तो ऊपर वाले पांच और नीचे वाले पांच जो मेंबर्स हैं उनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। इसी तरीके से आपकी जो टीम है चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो आपको हमेशा इनकम देने वाली है, और ये सिमिलर रहने वाला है, यानी कि इनकम आपकी और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है अगर आपका पैकेज बड़ा होता है। $960 वाले पैकेज के ऊपर यहाँ पे $16 पर पर्सन आपको मिलने वाले हैं अपलाइन और डाउनलाइन दोनों में से। इतना ही नहीं यहाँ पे आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलने वाली है जो कि टोटल 8% की। तो यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज से लेकर डायमंड रैंक दिया गया है। सबसे पहला रैंक है ब्रॉन्ज जिसमें अगर आप 10 डायरेक्ट कर देते हैं जिसमें से अगर आपके 5 डायरेक्ट हैं $60 वाले पैकेज से तो आपको यहाँ पे 3% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और ये जो 3% है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी मेंबर्स में। सिल्वर पैकेज है जिसमें 10 डायरेक्ट होने चाहिए और 5 डायरेक्ट कंपलसरी हैं जिन्होंने $120 वाला पैकेज अपग्रेड किया हो, तो यहाँ पे 2% डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी में और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है गोल्ड रैंक, 20 डायरेक्ट होने चाहिए जिसमें से 10 डायरेक्ट होने चाहिए $240 वाले, तो यहाँ पे 1% डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। प्लैटिनम और डायमंड रैंक के ऊपर भी 1% डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 8% डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है जो कि एज ए रॉयल्टी इनकम रहने वाला है। तो जितने भी अचीवर्स होंगे चाहे वो ब्रॉन्ज के हैं सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम या डायमंड, तो जितने अचीवर्स हैं प्रत्येक रैंक के ऊपर उन सभी रैंक के बेसिस पर सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। अभी हम बात करेंगे रोड मैप के बारे में। तो यहाँ पे जो टोकन लॉन्च है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ स्टेकिंग इनकम भी आपको मिलेगी। बहुत ही जल्द प्रोडक्ट साइट भी लॉन्च करी जाएगी और गेम्स भी आने वाली जैसे कलर गेम्स, लूडो,
फॉलो क्रिकेट। बहुत ही जल्द ऑक्सविना NFTs के ऊपर भी काम करने वाले हैं। बहुत ही जल्द स्वैप और डेक्स आने वाले हैं, यानी कि डेक्स के ऊपर आपको स्वैप मिलेगा और क्रिप्टो का लॉन्च पैड खुद का लॉन्च करने वाला है ऑक्सविना। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम $10 का ऑटो विड्रॉल रहने वाला है, 10% विड्रॉल फीस रहेगी। 3 गुना इनकम अर्न करने के बाद आपकी आईडी को रिन्यू करना जरूरी है, तभी आप अपनी इनकम को विड्रॉ कर पाओगे, वरना आपकी जो इनकम है उसको होल्ड पे रख दिया जाएगा जब तक आप अपनी आईडी को फिर से रिन्यू नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल पैकेजेस हैं, कई सारे पैकेजेस हैं, तो सभी पैकेजेस को मिलाकर 3 गुना आपको इनकम मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने वाला है कि आप अपने पैकेज को कभी भी अपने स्लॉट को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 रैक 1 रॉयल्टी का फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि विड्रॉल लेने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स को डायरेक्ट करना जरूरी है $60 के पैकेज से। तो बिना किसी देरी करते हुए आज जुड़ियो ऑक्सविना के साथ, जिसमें आप शुरुआत सिर्फ $30 से करते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्निंग बहुत ही जबरदस्त है, जिसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, और यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलती है पूल से। और ये पूल्स कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जो आपको हमेशा कंटिन्यूस इनकम देने वाले हैं। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप ऑफिशियल वेबसाइट का भी विजिट कर सकते हैं www.oxfina.net। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली ऑक्सविना की वीडियोस भी हमेशा पहुंच रहे।